क्यों रही हो? मुझे बताओ, कम ऑन, उठो, क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? वो भी मुझे आप नॉर्मल समझते, वो मेरे इलाज कर रहे थे, उन्हें मेरी जात से दिलचस्पी नहीं है। जिस तरह का मैं इंसान हूँ, तुम क्या समझती हो मेरे में इतनी पेशेंस है? देखो ईशा, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है, मैंने हमेशा ऐसी लड़की के ख्वाब देखे हैं। देखिए, अब तक रो रही है। मुझे पता नहीं था कि मेरी बात का इतना असर लेगी, वरना मैं इतनी बेवकूफी की बातें कभी ना करता। ईमान, I'm sorry, तुम मेरी बातों का बिल्कुल गलत मतलब समझी हो। आलियान परेशान है, क्या हो गया उसे? आपको क्या हुआ है? मम्मी इतनी परेशान तो आप मेरी परेशानी पे भी नहीं होती। सादिया ने मुझसे बदला ले लिया, मैंने भी जुर्म किया था ना, दोनों ही मुजरिम हैं, मगर आमना का क्या कसूर था? क्या मैं तुम्हारे बगैर जी पाता? तुमने कभी सोचा? उस वक्त मैं किसी बात पर बहुत हर्ट हुई, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे जीने का कोई हक ही नहीं था। समी, ईमान मुझे दे दो। क्या मतलब? मैं उसे सारम के लिए मांग रही हूं। मुझे आपसे बहुत जरूरी कुछ कहना है। अपने खुदा से और आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। तुम वो नहीं हो? जी, मैं वो ही हूं। तुम्हारा प्यार मेरे दिल में है, तुम दोनों भाई हो। आप हम दोनों में से किसी एक को रख सकती हैं, मुझे या इसे। दानियाल आपका अपना बेटा है। तुम मेरे बेटे हो। जी, अडॉप्टेड। वो मैं नहीं मानती, जिसको दिल से लगा कर रखा हो, जिसके लिए दिन रात एक किए हो, वो अपना होता है, बिल्कुल अपना। मत करो ऐसी बातें, मेरा दिल फट जाएगा। मम्मी, आप क्यों घबरा रही हैं? मैं आता रहूंगा आपके लिए भी और डैडी के लिए भी। यहां रहोगे नहीं? आपके दिल में रहता हूं, घर में रहने से क्या होगा?
देखिए ये हमारा बेटा दानिश है, इतने दिनों का खोया हुआ आज मिला है। कम से कम इसे देख तो लीजिए। मैं आपका बेटा दानिश हूं। दानिश से दानियाल कैसे बना कुछ याद नहीं। मम्मी मैं तो इन्हें बता भी नहीं सकता कि इनके प्यार के बगैर मेरी जिंदगी कैसे गुजरी। शायद आपका प्यार तो मुझे ना मिल सके लेकिन आपके प्यार की छांव मैं झेलूंगा। जब दिल का सारा दर्द आंखों से बह जाए तो एक बार मुड़कर मेरी तरफ भी देखिएगा, मैं भी आप ही का हूं। मैं सिर्फ उसके लिए नहीं रो रही, तुम्हारे लिए भी रो रही। अलियान कभी ये मत समझना कि मैं तुम्हें भूल गई थी। तुम्हारा चेहरा तो मेरी आंखों में नक्श है और उस नक्श को मैंने अपने दिल में संभाल के रखा था कि कहीं कोई देख ना ले। आपने ऐसा क्यों किया था? बस कर, इस सवाल का जवाब देते देते थक गई हूं मैं। मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा, इसलिए नहीं कि आप मेरी मां हैं, इसलिए कि आपके साथ बहुत जुल्म हुआ है। किससे शिकायत करूं मैं? तुम खुद से आए हो मेरे पास। अब भी ना आता क्या? अब भी ना आते तो ना जाने क्या हो जाता। कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप खामखा परेशान हो रही हैं। आनियान, दानियाल कभी नहीं आएगा अब क्या? आएगा, अगर आपके प्यार में ताकत है तो वो जरूर आएगा। नहीं, मेरे नसीब में शायद किसी का प्यार है ही नहीं, इसीलिए तो जिसे चाह वो मुझसे दूर चला गया। आपने मुझे चाहा था, मैं तो आ गया ना। उससे भी तो चाहा था।
मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं मम्मी, मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी लाती हूँ। लेकिन आलिया, हमारे यहाँ तो वैसा खाना नहीं बनता जैसा तुम खाते हो। आप अगर अपने हाथों से खिलाएंगी तो मैं कुछ भी खा लूंगा। यहाँ खाओगी या किचन में? किचन में खाते हैं। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आप यहाँ? हाँ जी, मैं आंटी से मिलने आई थी, अंकल की तबीयत पूछना थी। आप भी आए हुए हैं? जी, आप आई गई हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे पलक झपकते में मंजर बदल जाता है। आप यकीनन डॉक्टर आलियान से मिलने आई होंगी, वो यहाँ नहीं रहते, मैं रहता हूँ। जी जी, आइए। मम्मी देखिए, मेहमान आए हुए। क्या आलियान आए? अच्छा, आपको बड़ा इंतजार था। वालेकुम सलाम ईशा, क्या हाल है? ठीक हूँ जी, ठीक हूँ। ये भी मेरा ख्याल है, आलियानी की तलाश में आई। आंटी, मैं तो आपसे मिलने आई थी। अंकल की तबीयत कैसी है आप? बस वैसे ही है। आप कुछ पियेंगी? नो थैंक यू। ये कैसे हो सकता है कि आप मेरे घर में आए और बगैर कुछ पिए चली जाएं? ईशा, ये मेरा बेटा दानियाल है, किसी ने इसे किडनैप कर लिया था, वापस मिल गया है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप ही तो मम्मी थी। वो मेरी अम्मी नहीं थी, किसी और की अम्मी। बताइए ना मम्मी। तुम जाके ईशा के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ। नहीं प्लीज आंटी, वो मैं ईमान के साथ कहीं जा रही थी तो मैंने सोचा कि अंकल की तबीयत पूछती जाऊं। मैं फिर आऊंगी। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ठीक, आइएगा जरूर, मैं इंतजार करूंगा। रानिया, ये तुम ईशा से किस तरह से बात कर रहे थे? मैं इसे जानता हूं मम्मी, और अगर आप जानना चाहती हैं तो जान लें, मैं इसे पसंद करता हूं। सॉरी ईशा, मुझे मालूम नहीं था कि तुम कब गई हो। मुझे बताइए ना, ये मामला क्या है? आपको यहाँ का नंबर कैसे मालूम हुआ? नंबर तो मैंने आपकी हॉस्पिटल की डायरी से लिया था। आप हॉस्पिटल गई थी? गई थी, लेकिन आप नहीं थे। देखो ईशा, मैं इस वक्त फोन पर आपको कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, मैं कल हॉस्पिटल आऊंगी। आ जाइएगा, वहीं से कहीं चलेंगे। वैसे आपके फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि इंसान जब डिस्टर्ब होता है ना तो उसे अपने दोस्त की आवाज सबसे खूबसूरत आवाज लगती है। दोस्त ऐसे ही वक्तों में साथ देते हैं। ये लो आलियान बेटा, कॉफी। अच्छा, कल मिलेंगे। खुदा हाफिज। आलियान बेटा, तुम जानते हो कि अल्जाइमर्स डिजीज जो है उसकी असल वजह, उसकी असल कॉज जो है उसका अभी तक मेडिकल साइंस को पता नहीं चला है। इस पर काफी रिसर्च हो रही है, एंड यू नो कि मैं भी इस रिसर्च में शामिल हूं। दरअसल ये किसी भी बढ़ती हुई उम्र के आदमी को हो सकती है। क्या जानो कि उम्र के साथ साथ, वक्त के साथ साथ ब्रेन के जो सेल्स हैं वो ऐसा ऐसा डेड होते जाते हैं। जो मेन चीज है जिसका सबसे ज्यादा असर होता है इस मर्ज में मरीज पर, वो है उसकी जहन पर, उसकी याददाश्त पर, और जबान पर भी, स्पीच पर भी असर पड़ता है।
और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि कुछ और आजा पर भी असर होता है, मतलब है कि कभी कभी मरीज जो है ना उसका आधा चेहरा मुतासर हो जाता है, जिस तरह से पैरालिसिस या स्ट्रोक में होता है, यू नो व्हाट आई मीन? यस आई नो। सर्जन एहसान के जो अब तक टेस्ट हुए हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी रिपोर्ट बहुत हौसला अफजा नहीं है। सर्जन एहसान एक बेहतरीन सर्जन रहे हैं, उनका जहन बहुत शार्प था, इस वजह से ये जो मर्ज है ये पिछले 20 सालों में आहिस्ता आहिस्ता हम पर असर करता रहा। शुरू शुरू में इसलिए पता नहीं चला कि जब उनका माइंड ब्लैंक होता था तो उसकी ड्यूरेशन जो थी वो बहुत मुख्तसर होती थी, मगर वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जब ड्यूरेशन बढ़ती गई तो फिर पता चलना शुरू हो गया। मगर सर्जन एहसान एक स्ट्रॉन्ग विल पावर के आदमी थे, वो इससे लड़ते रहे। He put up a strong fight, मगर आखिर में स्ट्रोक ने उनको हरा दिया। आर्यन बेटा, तुम जानते हो ना कि मैं एहसान का दोस्त भी हूं, उनका डॉक्टर भी हूं, एक फैमिली फ्रेंड भी हूं, मगर मुझे फिर भी पता नहीं क्यों इस बात का शदीद एहसास होता है कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो वो मुझसे छुपाते रहे हैं, बल्कि सिर्फ मुझसे नहीं अपने आप से भी छुपाते रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा खायफ सहमे हुए कंफ्यूज रहते हैं। रीजन व्हाई आई हैव कॉल्ड यू कि तुम उनके बेटे हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या वजह है? तुम जानते हो कि नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, there's nothing at all। अरे बेटे, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब उनकी याददाश्त खो जाती है ना थोड़ी देर के लिए, वो बहुत ज्यादा खौफजदा सहमे हुए बच्चे की तरह से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज इनसिक्योरिटी का शदीद एहसास होता है, जिसके नतीजे में जो मर्स 10 साल में इतना बिगड़ता है, इतना आगे बढ़ता, 2 साल में उनकी आदत हो गई है। यू नो व्हाट आई मीन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी देखो आर्यन, तुम डॉक्टर हो, तुम इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हो कि ह्यूमन माइंड कुदरत की एक इंतहाई हैरतअंगेज तख्लीक है। अगर इंसान का जहन टोटली ब्लैंक हो भी जाए, फिर भी उसमें कोई ना कोई रमक, कोई ना कोई स्पार्क बाकी रहता है, मतलब है कि वो कोई ना कोई बत्ती है जो जलती बुझती रहती है। I want to know कि वो क्या बात है जिसकी वजह से वो इतने खौफजदा रहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो अब स्टेज से निकल चुके हैं। देखो अरे, तुम और मिसेस एहसान उनको मुस्तकिल हौसला देते रहे हो, उनको यकीन दिलाते रहे हो कि तुम उनके साथ हो, मगर बेटा इस वक्त उनको तुम्हारे सहारे की, तुम्हारी मोहब्बत की बहुत जरूरत है। बस इज लाइक अ लॉस्ट चाइल्ड, सिर्फ तुम जो उनको इसे निकाल सकते हो। पता नहीं मैंने आपको सब कुछ क्यों बता दिया, हालांकि दिल की बात
मुझे अपने दिल में रखनी चाहिए थी वही रहेगी। मैं किसी को जाके थोड़ी कहूंगी। थैंक यू। बड़ी ज्यादती की बात है, आंटी को मालूम होना चाहिए कि आप भी उनके बेटे हैं। बहुत कंफ्यूजन है, मेरी खुद की समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूं क्या हूं, इसलिए मैंने अपने आप को वक्त के बहाव पर छोड़ दिया है। लेकिन आप आंटी और अंकल को छोड़ तो नहीं सकते। क्यों? नहीं छोड़ सकता ईशा, प्यार का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता है, मेरा और मम्मी का भी वही रिश्ता है। आप खुश हैं? मैं खुश हूं कि मेरी मम्मी को भी खुशी मिली है, जिंदगी भर का टॉर्चर खत्म हो गया है, और मैं इसलिए भी खुश हूं कि मुझे जिंदगी में एक ऐसी हस्ती मिली है जिसे मैं अपने दिल की बात कह सकता हूं। अच्छा तो तुम मेरा सूटकेस भी ले आए हो, तुम चाहते हो उस घर से मेरा कोई ताल्लुक ना रहे, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया था। और तुम मुझे मना कर भी नहीं सकते हो, वो घर भी मेरा है। तान्या आज तो बोलो, डैडी डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज ये ड्रामे बस करो प्लीज, मेरे डैडी हैं, जो दिल चाहेगा करूंगा। और दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है, मम्मी परेशान होती हैं। नहीं नहीं, कैसी बातें करते हो, मुझे तो खुशी होती है इसके आने से। दिल की बात जबान पर आ गई मम्मी। तुम ये किस लहजे में मम्मी से बात कर रहे हो? मेरा जिस लहजे में दिल करेगा मैं करूंगा, मेरी मां है। तुम इन्हें हर्ट नहीं कर सकते, ये मेरी भी मां है। नहीं है तुम्हारी मां। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? हां, तुम्हें देखकर पागल हो जाता हूं मैं। चुप करो तुम दोनों, और खबरदार जो आइंदा इस तरह से बात की हम लोगों के सामने। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाता हूं। तान्या, ये कब कहा उन्होंने? तुम बीच में मत बोलो, ये मेरा और इनका मामला है। ये मेरा भी मामला है। नहीं है तुम्हारा मामला ये, न इस घर से न इस घर में रहने वालों से। हाँ, जिससे वास्ता है लेके जा सकते हो तुम उन्हें हॉस्पिटल। ये डैडी है ना तुम्हारे? यही डैडी है ना तुम्हारे? दानियाल, जिन्होंने सारी जिंदगी अपने बेटे को अडॉप्टेड चाइल्ड बना रखा। शट अप, ओ यू शट अप। अलियान, दानियाल, दानियाल ये क्या कह रहा है? मम्मी, ये बकवास कर रहा है मम्मी। शर्म नहीं आती? बाप को बाप नहीं कहते हो? तो कौन है बाप तुम्हारा? मम्मी, 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 आप प्लीज अपने आप को संभालिए। ये दानियाल क्या कह रहा है? मम्मी, मैं सच कह रहा हूं, अगर डैडी बोल सकते तो मैं इनसे गवाही दिलवाता आपको। एहसान के बेटे हो? जी। एहसान की बीवी थी?
जी अम्मी, जिन्हें उन्होंने बाद में तलाक दे दी थी। काश आप बोल सकते। डैडी, मम्मी, आपने ठीक कहा था, हल्की सी रोशनी जो बाकी थी वो भी आज बुझ गई है। बुझ गई? मेरा वहां दिल नहीं लगता। वो सब लोग मेरे हैं लेकिन आपसे बढ़ के नहीं, और मैं वो छोटी जिंदगी भी नहीं गुजार सकता, ना ही मुझे उस घर में रहने का तरीका आएगा और ना ही कभी मुझे उनका प्यार मिलेगा। बेटा क्यों परेशान होते? ये घर भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी। आप बताएं मैं क्या करूं? दानियाल, कोई बात हो गई है क्या? आप पूछ रहे हैं कोई बात हो गई? मेरी तो सारी दुनिया ही बदल गई है अम्मी। सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। दानियाल, तुम तो कहते थे कि मैं पागल हो गया था। मैं शायद मैं गुस्से में कोई उल्टी सीधी बात कर गया हूं, लेकिन आप तो शायद उसकी मां है। मैं सिर्फ मां हूं, तुम्हारी भी और उसकी भी। नहीं, सिर्फ मेरी। एक वो वक्त भी पड़ा था मुझ पे कि मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी, और आज मेरे दो दो बेटे। मैंने आलियान से कह दिया कि वो अपने घर में रहे, मैं अपने घर में रह रहा हूं। मैं वहां आता जाता रहूंगा लेकिन मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। मम्मी जल्दी करें ना। बस बस हो गया। आज मैंने कहा तुम्हें बना ही दूं कद्दू का हलवा, चार दिन से पीछे पड़े हुए। तीन दिन से। खास तौर से अपने बेटे के लिए बनाया। ले लिया ये। मैं खुद खा लूंगा प्लीज। अम्मी ये कद्दू का हलवा लेकिन इसकी चकली जो है वो दाल से मिल रही है। मैं ना अब तुम्हें नहीं 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 है मजेदार। क्या बात है, कहाँ खो गए हो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं अम्मी, वो आपसे एक बात करना थी। बोलो। आपको पता है मुझे कोई पसंद है? हाँ पता है। मैं चाहता हूँ आप उन लोगों से बात करें। 100 दफा करूं बात, तुम राजी हो? मैं चाहता हूं। हाँ मैं करती हूँ बात। आप उनसे कहिएगा कि डॉक्टर एहसान के बेटे का रिश्ता है। आपने बुरा तो नहीं मनाया? तुम हो तो मेरे ही ना, तुम खुश हो।
बस मैं खुश हूँ, कब जाऊँ बताओ? आज ही चले जाए तो अच्छा। अच्छा जल्दी से हलवा। ओ यस समझ जान। एक चम्मच छोड़ा ना तो फिर। नहीं नहीं छोड़ा नहीं, ज़्यादा ठंडा कर। खाने के चोर हो तुम शुरू से ही। ओके खुदा हाफिज़। किसका फोन था? वो फुप्पी का था। ओ फुप्पी का था या फुप्पी के बेटे का था? ईशा मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने क्या किया मम्मी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। I swear पिछले एक हफ्ते से ना मैंने किसी को तंग किया ना किसी की कोई चीज तोड़ी है। ओहो बात तो सुना करो, तुम इतना बोलती क्यों हो? इतना काम बोलती हूँ मम्मी, थोड़ा ही तो बोलती हूँ। सुनाइए। डॉक्टर एहसान का बेटा पसंद है तुम्हें? उनकी माँ ने तुम्हारे लिए रिश्ता भेजा है। अरे मम्मी मुझसे पूछिए, पसंद है पसंद है पसंद है। बोलो ईशा। मम्मी मुझसे क्या पूछ रही हैं? ये कह रही है ना, सुना नहीं आपने? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मम्मी आप? मैं ठीक हूँ बेटे। आलियान कैसे हो? तुम कैसे हो? बहुत खुश। गुड। आप मम्मी वो मम्मी जुम्मे को मेरी मंगनी है, आप आइएगा जरूर। अरे तुम्हारी मंगनी है और मुझे बताया तक नहीं। वो मम्मी जल्दी में सब कुछ तय हुआ इसीलिए तो आया हूँ आज आपको बताने। क्यों नहीं आऊंगी? मेरे बेटे की मंगनी हो और मैं ना जाऊं, ये कैसे हो सकता है? आलियान भी आएगा। दानियाल मंगनी किसे हो रही है? मिसेस समी की बेटी ईशा से। मुबारकबाद नहीं दोगे? मुबारक हो। थैंक यू। मम्मी आइएगा जरूर, मुझे इंतजार है। बाय। आए सादिया रसम कर लेते हैं। आए प्लीज। आप चलो बेटा बिस्मिल्लाह करो।
हेलो, मैंने आपसे कहा था ना मैं कभी नहीं हारता। लाइए हाथ दीजिए प्लीज। प्लीज मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, मैं चक्कर से आ रही हूँ, मुझे प्लीज मेरे कमरे में ले चलना। मैं जाकर देखती हूँ क्या हुआ, पता नहीं है जाना किसी की तबीयत क्यों खराब हो गई। आलियान आप डॉक्टर हैं, आप देखिए प्लीज क्या हुआ है। आंटी आप बैठिए, मैं देखता हूँ। तबीयत अगर ज्यादा खराब है तो हॉस्पिटल चलते हैं। फिक्र ना करें, जब बच्ची की तबीयत ठीक हो जाएगी तो रस्म भी हो जाएगी। हाँ हाँ जाहिर है, ऐसे कैसे रस्म हो सकती है। ईशा, ईशा ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे क्या हुआ है? तुम्हें नहीं मालूम कि मुझे कौन पसंद है? लेकिन मम्मी ने तुमसे बात तो की थी ना। मैं खूब जानती हूँ, मुझे धोखे में रखने के लिए उन्होंने डॉक्टर एहसान का बेटा कहा था, नाम नहीं लिया था। जाके उनसे कह दो कि मैं कोई खिलौना नहीं हूँ कि पसंद आ गया तो खरीद लिया। मैं ईशा हूँ और मैं कयामत कर दूंगी। यस तो आप भी इसमें शामिल थे? नहीं, मुझे नहीं मालूम था। आज ही तो मुझे इनविटेशन मिला था, वो भी इस खबर के साथ कि तुमने हाँ कर दी। मैं क्या करता? क्यों, फोन नहीं कर सकते थे क्या? नहीं कर सकता था, कर सकता तो जरूर करता। इसलिए कि आपको अपना भाई ज्यादा प्यारा था और मैं कोई भी नहीं। तुम सब कुछ हो, लेकिन मैं सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं हूं। देखिए, अगर आपको अपने भाई के लिए कुर्बानी देनी है तो आप दे दीजिए, मैं कोई कुर्बानी नहीं दूंगी। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है, मेरी मोहब्बत मेरी अपनी, मैं किसी के लिए इसे खैरात नहीं कर सकती। देखो ईशा, आज अगर तुमने सबके सामने इनकार कर दिया तो वो जज्बात में आकर पता नहीं क्या कर लेगा। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, और मैं समझती थी कि क्या ये कहना जरूरी है? नहीं नहीं ईशा, हमें लफ्जों की जरूरत नहीं है। लफ्ज दिलों को एक दूसरे से नहीं बांधते, दिल तो खुद ब खुद बगैर किसी लफ्ज के करीब आ जाते हैं। फिर भी कह रहे हैं कि मैं हाँ कर दूं, रस्म कर लूं। हाँ, फिर भी मैं कहता हूं कि तुम ये रस्म कर लो, वरना आज के बाद कोई भाई अपने भाई पर एतबार नहीं करेगा। मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी परवाह है। और आपकी इसी मान पर तो मैं कह रहा हूं कि मेरी बात मान लो। ईशा, उसे जिंदगी में कुछ नहीं मिला, ना मां ना बाप ना सुकून और आराम। बड़ी अजीब जिंदगी है उसकी, इसलिए वो ऐसा हो गया है।
अगर आज वो हार गया तो बहुत बुरा होगा। और अगर मैं हार गई तो बुरा नहीं होगा? होगा। बहुत बुरा होगा। लेकिन ईशा, मोहब्बत तो फिर भी बाकी रह जाएगी, उसे कौन छीन सकता है? देखो, मोहब्बत में जुदाई उसी तरह होती है जैसे आग पर हवा का असर होता है। यह हमारी आजमाइश है। अगर आग कम है तो हवा से बुझ जाएगी, अगर ज्यादा है तो भड़क जाएगी। आंसू पूछ लो। आंटी, मैंने दवाई दे दी है, वो ठीक हो जाएंगी। थैंक यू बेटा। आलिया, आप सबको चाय प्लीज बनवा दें। ईशा बेटा, आर यू ओके? सब ठीक तो है ना? आंटी, इसकी तबीयत सही हो गई। शुक्र है। रस्म कर ले। मैं आपको इतना कमजोर, सॉरी, बात नहीं समझता था। कैसी तबीयत है आपकी? देखें, आप जितना मर्जी छुपाएं, अगर इंसान को किसी की परवाह हो तो छुपा नहीं सकता। दानियाल बेटी, अंगूठी पहनाओ। जी, मैं तो भूल ही गया था। अरे भाई, अपनी कैदे बामुशक्कत का हल्फ तो उठा लो। तुम्हें कह रहा हूं, तुम्हें आओ, अंगूठी पहनाओ। क्या मजाक ही है, तुम पहनाओ। चलो उठो। क्या मजाक है ये? कोई मजाक वजाक नहीं है, उठो। वैसे भी मैं किसी रोती हुई लड़की के साथ मंगनी नहीं कर सकता। तुम्ही को करनी पड़ेगी। उठो, कड़प कड़प। दानियाल, दानियाल, पहनाओ ना यार। दानियाल यार, जल्दी करो ना, क्यों ईशा बीबी से पिटवाओगे? बात यह है जनाब के, मजाक करना मेरा हक है क्योंकि छोटा भाई हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके साथ एक प्रैक्टिकल जोक किया जाए। वैसे आलिया, मैं माजरा चाहता हूं, तुम्हारी होने वाली जो मंगेतर है ना, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बुरा है। देखिए, अगर आपको हमारे घर बहू बन के आना है ना, तो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा करना होगा।
ہمارا ہر عمل، ہر قدم، ہر لفظ ہمارے سامنے آئینہ بن جاتا ہے، جس میں یا آگ ہی آگ نظر آتی ہے یا پھول ہی پھول، اور ہمیں اپنے اعمال کا پیالہ پکڑ کر اس میں سے گزرنا پڑتا ہے. اور ظلم تو یہ ہے کہ انہی راستوں پر ہم اپنے پیاروں کو بھی دھکیل دیتے ہیں اپنی خوشی کی خاطر. ریزہ ریزہ ماٹی کے تلے جاگے ہیں تو سونا ہوگا، ماٹی کے تلے، ماٹی کے تلے، ماٹی کے تو تم کو آنسو